ओके बच्चों, चैप्टर्स में हम लोग का अभी टिश्यू कल्चर बस गया है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में टिश्यू कल्चर हम लोग आज देखेंगे। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, कल्चर और टिश्यू दो वर्ड यहाँ पे आते हैं, समझेंगे पहले। ये कल्चर मीडियम होती है, न्यूट्रिएंट्स होता है यहाँ पे। कोई भी प्लांट ग्रो करेगा है ना, पूरी प्लांट का फॉर्मेशन होगा कल्चर मीडियम में। कहाँ से? चाहे तो एक सेल से या फिर पार्ट ऑफ टिश्यू से। कहाँ से होगा? प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट जो होगा फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ प्लांट, जिसको हम लोग प्लांटलेट बोलते हैं, एक्स प्लांट बोलते हैं। एक्स प्लांट से पूरी प्लांट का फॉर्मेशन होगा। एक्स प्लांट एक्चुअली क्या होगा? प्लांट टिश्यू होंगे थोड़ा सा, या फिर सेल होंगे, उसको प्लांट से रिमूव करेंगे है ना। टिश्यू, टिश्यू बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को ना। चाहे तो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा या फिर ओनली सेल्स होंगे। क्या होंगे? सेल्स होंगे। इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं, उस टिश्यू को न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है, अनडिफ्रेंशिएशन मास फॉर्मेशन होता है, और ये अनडिफ्रेंशिएशन मास को हम लोग कैलस बोलते हैं। उस कैलस में हॉर्मोन्स ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का फ्लो किया जाता है। पहले ऑक्सिन रूट फॉर्मेशन की आती है, फिर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो। साइटोकाइनिन का ज़्यादा देंगे तो शूट फॉर्मेशन होगा, और ऑक्सिन का देंगे तो रूट फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे टिश्यू कल्चर मीडियम में, टिश्यू कल्चर में एक्चुअली कुछ पार्ट प्लांट्स का लिया जाता है, उस पार्ट को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है, और इस मीडियम में, कल्चर मीडियम में जिसमें न्यूट्रिएंट रहता है वहाँ पे वो ग्रोथ करता है। इस तरह से ये छोटा सा पार्ट है, इसको हम लोग एक्स प्लांट बोलते हैं। एक्स प्लांट दैट मीन्स प्लांट का छोटा सा पार्ट, जिसमें टिश्यू हो सकता है या फिर सेल हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेल या फिर सेल हो सकता है। इस एक्स प्लांट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं? एक्चुअली कल्चर मीडियम में रखते हैं है ना। कहाँ पे रखते हैं? कल्चर मीडियम में रखते हैं। कल्चर मीडियम में इसको ग्रो करते हैं, कल्चर मीडियम में, और इस तरह से कल्चर मीडियम में ग्रो होती है। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स इस तरह से फॉर्मेशन होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स इस तरह से फॉर्म्स होता है। इसको क्या बोला जाता है? कैलस बोला जाता है। एक्स प्लांट इसको बोला गया था, इसको कैलस बोला जाता है, कैलस ग्रुप ऑफ सेल्स। फिर इसमें जो है ना हॉर्मोन्स का फ्लो किया जाता है। पहले ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन साइटोकाइनिन से ज़्यादा रखा जाता है, रूट का फॉर्मेशन होता है ना, रूट का फॉर्मेशन होता है। और फिर जो है साइटोकाइनिन का अमाउंट ऑक्सीजन से ज़्यादा रखा जाता है तो शूट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से रूट शूट का फॉर्मेशन हो जाता है ना। इसको फिर डिफ्रेंशिएट किया जाता है, एजिटेट किया जाता है, छोटे छोटे प्लांट्स फॉर्म होते हैं इस तरह से। छोटे से लैंड में टीनी प्लांट, जिसको प्लांटलेट बोलते हैं, और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्लांटलेट जिसको हम लोग बोलते हैं टीनी प्लांट, टीनी प्लांट बोलते हैं। इस तरह से प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाता है एक्स प्लांट से। कहाँ से? एक्स प्लांट से। प्लांट का छोटा सा पार्ट, प्लांट पार्ट बोलते हैं। एक्स प्लांट को क्या बोलते हैं? प्लांट पार्ट। इस तरह से प्लांट पार्ट होता है ना। कल्चर मीडियम में, कल्चर मीडियम दैट मीन्स यहाँ पे न्यूट्रिशन होता है, और इसको ग्रो करते हैं, कैलस का फॉर्मेशन होता है, एजिटेट करते हैं, और फिर ऑक्सीजन का साइटोकाइनिन से वैल्यू ज़्यादा रखते हैं, दोनों हॉर्मोन्स को फ्लो करते हैं। ऑक्सीजन का पहले ज़्यादा रखते हैं, रूट फॉर्मेशन होता है, फिर साइटोकाइनिन का रेशियो ज़्यादा रखते हैं, शूट फॉर्मेशन होता है। इस तरह से रूट शूट फॉर्मेशन हो जाता है, प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टीनी प्लांट बोलते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, हम लोग प्रोसेस क्या है उसको हम लोग थ्योरी फॉर्म्स में लिखेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे? द प्रोडक्शन ऑफ, द प्रोडक्शन ऑफ टीनी प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ
फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट ऑफ अ प्लांट स्मॉल पीस से, है ना, जिसको हम लोग टिश्यू और सेल बोलते हैं, रिमूव किया जाता है, है ना, फ्रॉम प्लांट टिश्यू और सेल्स, इस तरह से उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है. रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ ए प्लांट, है ना, टिश्यू और सेल्स रिमूव फ्रॉम ग्रोइंग पार्ट, कहाँ से, ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट, क्या कहते हैं, रिमूव फ्रॉम ग्रोइंग टिप पार्ट ऑफ प्लांट, है ना, टिप वाला पॉइंट से क्या किया जाता है, इससे सेल टिश्यू ले लिया जाता है, है ना, ग्रोइंग टिप ऑफ ए प्लांट इन ए सूटेबल ग्रोथ मीडियम, है ना, कहाँ पे इसको अलग किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, मीडियम में रखा जाता है, कल्चर मीडियम, कल्चर सॉल्यूशन, है ना, और इसको टिप पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ग्रो, एंड इसको क्या करते हैं, एंड ग्रो इन कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम में इसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, कल्चर मीडियम में इसको ग्रो करते हैं, है ना. तो ये जो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ ए प्लांट टिश्यू, है ना, और सेल रिमूव फ्रॉम ग्रोइंग टिप पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ग्रो इन कल्चर मीडियम, इसको ग्रो करते हैं, इसको प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं. टिश्यू कल्चर टेक्निक्स जो है, है ना, बींग यूज्ड इंक्रीजिंगली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक ऑर्चिड और दहलिया, ये सब के लिए ज़्यादा यूज हुआ है. तो एक पॉइंट हम लोग मेंशन कर देते हैं यहीं पे, यहाँ पे क्या कहेंगे, ओके, यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है ऐसे प्लांट का प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गया, ऑर्चिड दहलिया वगैरह के लिए, है ना. द टिश्यू कल्चर टेक्निक इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स. द प्लांट टिश्यू कल्चर is used for production of the plant tissue culture is used for production of ornamental plants, ornamental plants, और ornamental plants में क्या क्या आएंगे, मैं इधर लिखता हूँ, ornamental plants में यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा, दहलिया आ जाएगा, ऑर्चिड आ जाएंगे, ऑर्किड्स, दहलिया, ये सारा प्लांट्स क्या होता है, इस तरह से प्लांट टिश्यू कल्चर, छोटा सा प्लांट का पार्ट लेते हैं, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में, कल्चर मीडियम में ग्रो करके कैलश बनाते हैं, हार्मोन का फ्लो करते हैं, प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है इस तरह से. अब छोटा सा पार्ट लेके हमने एक प्लांट को फॉर्मेशन किया, इसको इस वजह से क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन बोला जाता है. क्या बोला जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन, है ना, ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन. क्यों बोलते हैं, ड्यू टू एक्सट्रीम स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल बॉडी यहाँ पे यूज होता है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन, है ना. प्लांट टिश्यू कल्चर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन
माइक्रो स्मॉल प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स आना, स्मॉल पार्ट्स से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होना, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम ऑल्सो कॉल माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, इसके अब एडवांटेज हम लोग देखेंगे, एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर क्या क्या एडवांटेज है। एडवांटेज में बात करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के क्या क्या एडवांटेज हैं हम लोग देखते हैं। टिश्यू कल्चर है ना, टिश्यू कल्चर ऐसा टेक्निक है जिसमें हम फास्ट प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। थाउजेंड ऑफ प्लांट्स यानी कि थाउजेंड ऑफ प्लांटलेट, इसको हम लोग बोलते हैं प्लांटलेट, क्या बोलते हैं प्लांटलेट इसको बोलते हैं, जो कहाँ से फॉर्मेशन हुआ, एक छोटा सा पार्ट से, कौन सा पार्ट लिए हैं है ना, टिप पार्ट, ग्रोइंग टिप पार्ट ऑफ द प्लांट, टिप पार्ट को लिए हैं है ना, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, टिप पार्ट में शूट एपाइकल पार्ट या फिर रूट एपाइकल पार्ट, उस पार्ट के टिश्यूज़ को लेते हैं और इस तरह से प्लांटलेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से ऐसा टेक्निक है, बहुत तेज़ी से कम एरिया में थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम लोग पुल भी बोलते हैं। टिश्यू कल्चर इज़ वेरी फास्ट टेक्निक, क्या बोलेंगे एडवांटेज, फर्स्ट फास्ट टेक्निक है ये, क्या है टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर फास्ट टेक्निक्स है, फास्ट टेक्निक है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट कैन प्रोड्यूस कर सकते हैं है ना, वेयर थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट कैन प्रोड्यूस, क्या कर सकते हैं, फास्ट टेक्निक है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट कैन प्रोड्यूस इन अ फ्यू वीक। बहुत कम टाइम में, फ्यू वीक्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू क्या करते हैं, टाइम फ्रॉम ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू, इतनी सी पार्ट से थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट प्रोड्यूस कर सकते हैं है ना, फ्यू वीक्स फ्रॉम ए एक्स प्लांट, फ्रॉम एक्स प्लांट कर दो, फ्रॉम एक्स प्लांट, एक्स प्लांट इसी को बोलेंगे है ना, छोटा सा पार्ट है, सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल है, टिश्यू जिसको बोलते हैं, उस पार्ट से प्लांटलेट का, थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट का फॉर्मेशन करना, और बहुत कम छोटे जगह पे, बहुत छोटे जगह पे ये काम होता है, फास्टेस्ट टेक्निक, इसी वजह से टिश्यू कल्चर को बोला गया है। ओके, फ्यू वीक्स में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट, प्लांट के छोटे से नन्हे मुन्ने को प्लांटलेट बोलेंगे है ना, फ्यू वीक्स में थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, किससे, एक्स प्लांट से, प्लांट के छोटे से पार्ट से। दूसरा एडवांटेज हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो प्लांट प्रोड्यूस होता है डिजीज फ्री होता है। दूसरा जो एडवांटेज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, यह टेक्निक ऐसा है जिसमें डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं है ना, द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर इज डिजीज फ्री, यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं डिजीज फ्री प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसमें, माइक्रो प्रोपेगेशन में, या फिर कर सकते हैं इसको टिश्यू कल्चर भी बोला जाता है, ये हो सकता है। टिश्यू कल्चर में जो प्लांट ग्रो होती है राउंड द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन, क्या बोल सकते हैं, टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन, किसी भी सीजन में टिश्यू कल्चर में जो प्लांट ग्रो होगा किसी भी वेदर कंडीशंस में, वो क्या होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन, टिश्यू कल्चर है ना के थ्रू जो प्लांट ग्रो होते हैं, जो प्लांट प्रोड्यूस होता है और उसको ग्रो कराते हैं किसी भी सीजन में, वो क्या होता है,
ये एडवांटेज है, सर्वाइव करता है। तीसरा, यहाँ पे टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स, टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट, कैन ग्रो प्लांट, टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट राउंड द ईयर, पूरे साल हम लोग कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन। इररिस्पेक्टिव वेदर और सीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एंड सीजन कर सकते हैं, है ना। किसी भी वेदर कंडीशन सीजन में हम लोग राउंड द ईयर पूरे साल, है ना, टिश्यू कल्चर करके क्या कर सकते हैं, प्लांटलेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हो गई। अब फोर्थ जो यहाँ पे एडवांटेज है, क्या है, वेरी लिटल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के थ्रू जो हम काम करते हैं, प्लांटलेट का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत कम एरिया में हम इस काम को अंजाम कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ में हम लोग लिखेंगे फोर्थ एडवांटेज जो है वो क्या है, है ना, वेरी लिटल स्पेस इज नीडेड, वेरी लिटल स्पेस इज नीडेड टू प्रोड्यूस, है ना, या फिर फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट बाय टिश्यू कल्चर, फॉर डेवलपिंग नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट, डेवलपिंग न्यू प्लांट, है ना, बाय टिश्यू कल्चर। बाय टिश्यू कल्चर इस तरह से, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। अब तक हमारा ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।